It is, in fact, the true democratization of the agricultural sector in India happening for the first time. And therefore, constitutionally also, a very valid decision. अब आ गया, अच्छा फिर ये आ गया जी पेमेंट नहीं होगी। उज्ज्वल जी ने बात रखी, प्रावधान में ये है कि पहले तो अगर कोई खरीदता है सामान, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो सेम डे पेमेंट, एंड इफ नॉट विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर कोई प्रोसीजरल बाधाएं हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मंडी का सिस्टम था ये पूरा निराधार था, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त के तकाजे बदलते हैं। वी आर सो वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड, नेट है, सोशल मीडिया है, हमारा किसान घर बैठ करके अपना अनाज बेचने की व्यवस्था कर सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। सब सामान ऑनलाइन बेच रहा है तो क्यों नहीं अनाज ऑनलाइन बिकेगा, क्यों नहीं गेहूँ चावल ऑनलाइन बिकेगा। और दुनिया भर में या देश भर में तो कम से कम वो कहीं भी अपना ग्राहक ढूंढ सकता है जिससे उसको ज़्यादा मुनाफा मिले, तो क्यों उसको बांध करके रखे हम मंडी में। और आज का किसान वो पिछला किसान नहीं है। मैं तो अक्सर जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि तो किसान शब्द का इस्तेमाल करना हिंदुस्तान में अब बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीलिंग विद अ न्यू जेनर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट्स। ये जीन पहन करके सूटेड बूटेड लड़के हैं, ये कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, ये सॉयल हेल्थ कार्ड कंप्यूटर से देखते हैं, ये बैठे बिठाए हमसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा विश्लेषण करते हैं इस बात का कि इस सीज़न में कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा उगेगा। दे आर टेक्नोक्रेट्स एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, सो दे आर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स, एंड दे डिजर्व टू बी प्रोवाइडेड विद द सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी, सेम फ्रीडम एज प्रोवाइडेड टू अदर टेक्नोक्रेट्स एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स इन अदर फील्ड्स। और फिर ये भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे बार बार कि साहब वो मंडियों को उठा दिया जाएगा। वो हमारे बहन बलवीर ने भी कहा, हमारे तेजिंदर जी ने भी कहा, जुगल जी ने भी कहा कि इसका तो जिक्र ही नहीं आया। हाँ, अगर कोई कमज़ोर किसान समझता है कि उसको सुविधा इसी में है, उसका सामर्थ्य इसी में कि उसी सिस्टम से चले, तो कोई उसमें बंदिश नहीं है और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। मैं 1 मिनट लेता हुआ, क्योंकि आजकल आंकड़ों का युग है, मैं जानबूझ करके आंकड़ा लेकर के आया और बाद में जो चाहे उसको हम दे भी सकते हैं। इस सरकार ने पिछले 6 साल में निरंतर MSP बढ़ाया है। आप कहते हैं हम MSP विरोधी हैं, आप कह रहे हैं कि साहब ये सरकार जो है ये अंबानियों का साथ देती है। बार बार कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये बड़े बड़े सरमायादारों का पक्ष रखती है, ये तो चाहती है कि धीरे धीरे MSP का भी सिस्टम समाप्त हो जाए, मंडियों का भी समाप्त हो जाए, और सरकार के द्वारा और सरकार के माध्यम से जो प्रोक्योरमेंट होती है उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो जाए। एक क्षण लेकर फिर आंकड़ों पर नजर करते हैं। 2009 से लेकर के 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, गेहूं की प्रोक्योरमेंट जो सरकार ने की उसका आंकड़ा है 1395 लाख मीट्रिक टन, और उसके अगले 5 साल जब हमारी सरकार आई तो प्रोक्योरमेंट की दर हुई 1680 लाख मीट्रिक टन, यानी 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ गई। ये 5 साल की एवरेज।